कानपुर के इस शख्स का नाम सुरेश है। दरअसल आपको बता दे, यह शख्स भिखारी गैंग के हाथ लग गया और फिर उसके बाद दोस्तों इस शख्स ने अपनी आपबीती सुनाई, जो कि सच में पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। आप पहले इस शख्स की बातों को ध्यान से सुनिए और अपने सभी रिश्तेदारों के लिए जरूर शेयर कीजिए। वो हमें तीन मारा से तीन हुआ था, वो दौसा से मुँह बांध कर यहाँ लिया मछरिया में। हाँ मैं रखे 12 दिन। हाँ 12 दिन वहाँ रखे मछरिया मछरिया जी सर, छत पर रखे, छत पर लेटे कराए, छत पर कराए, नीचे रख करना था। वहाँ से हम लिया, फिर वहाँ से बारी बाद एक हमको किसी से बेच दिया। हाँ 70,000 रुपया 70 बेच दिया। उसने बेचने के बाद उसने हमको लिया फिर नटगन टोला जो खरीदे थे, वहाँ से गाड़ी जा करके घंटा घर ले गए। घंटा घर से दिल्ली लेके चले गए। दिल्ली से जाकर नाव लोही दिल्ली, नई दिल्ली के आगे हरियाणा के पास था, वहाँ पर ले गए हमको। वहाँ से भीख मंगवा रहे थे, उठाते थे अच्छी छोड़ देते थे, चोट लगता था, कहते थे कि हम पे तुम जो रखेंगे नहीं पैसा कहाँ देंगे उसको, 70,000 रुपया कमाए कहीं देंगे। फिर सर वहाँ पर इलाज उलाज के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला जहर फैल गया शरीर के अंदर के, इनको कहीं भर्ती कराओ। तो भर्ती लेके बोले भर्ती कराएंगे तो 70,000 सर कहाँ से देंगे हम, चलो तो कहाँ से उठा के छोड़ देते थे। छोड़ने हमको जो बेचने थे वो छोड़ने आए थे सर, जब छोड़ देंगे पैसे और क्यों ले लेंगे। ये तो फोन करके बताया कि उसको छोड़ना हुआ तो रात को ले आना, रात हम उसको कहीं दूसरे बेच देंगे। तुमको यहाँ से ट्रेन से ले गए थे? जी सर, गोरखधाम से। गोरखधाम से जी सर सीधे दिल्ली। जी ये चोट वोट तुम्हें सब वही गिरा दे, गिरा दे ये चोट जो है सर गली घिंच रहा था, झरकटी में जीदा चढ़ा रहा था लोग, गली घिंच रहा था, यही क्या मजा लगा। ये जानबूझ के तोड़ दिया था? हाँ जी सर। ये आंखों में? आंखों सर क्या डाला पे समझ नहीं आया, दिखाई पड़ता है? नहीं सर। ये ओंट में क्या चोट? दाढ़ी में? यही सब फटका उठका, यही सब चोट था। ये बहुत इतना बड़ा टूट गया था और कुछ काम हुआ सर। यहाँ तो ऐसे करो जरा सीधा सर, वहाँ पे जब ट्रेन से ले जा रहे थे तो हल्ला कहीं नहीं मचाया सर? वहाँ तारा भी फेलो, तारा भी फिला दो तो बहुत मारेंगे, तो ढा देंगे ट्रेन, ढा देंगे। तो वो जो क्या नाम है तुम्हें यहाँ से ले गया था उसका नंबर सर उनका नहीं है, उनको पहचान ही नहीं रहा, नंबर नहीं है। तो नंबर किसका कौन सा है तुम्हारे पास? दोस्तों सुरेश नाम के इस शख्स से दिल्ली में दोस्तों भीख मंगवाई गई और फिर उसके बाद दोस्तों जब इस सुरेश की तबीयत अधिक खराब हो रही थी तो इसे फिर से कानपुर में छोड़ दिया गया। दोस्तों इस प्रकार से इस सुरेश ने अपनी जो कहानी सुनाई है वह पूरे देश को, बल्कि पूरे देश के एक एक शख्स को सुनना चाहिए ताकि हर शख्स जागरूक हो सके। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य भी सभी लोगों को जागरूक करना है। कृपया करके जागरूक रहिए और सतर्क रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज के अपडेट आपको मिल सके। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।